अतिथि कुकिंग चैनल। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट डोसा प्रीमिक्स। इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और इसे बनाने के बाद आप इसको एक महीने के लिए एक एयर टाइट कंटेनर में रखकर काउंटर पे ही स्टोर कर सकते हैं। इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है और जब भी आपका मन करे आप इसको निकालिएगा, इसका बाटा बनाइएगा और डोसा तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास उस समय सांभर या चटनी ना भी हो तो आप इसी बाटर में बहुत सारे मसाले डाल के एक बढ़िया सा मसालेदार डोसा बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। इंस्टेंट डोसा प्रीमिक्स बनाने के लिए हमने लिया है 300 ग्राम चावल, 100 ग्राम उड़द की दाल। इन दोनों ही चीज़ों को हमने अच्छे से पोंछ के ले लिया है, क्योंकि हमें इन सभी चीज़ों को एक साथ पीस के इनका एक ड्राई पाउडर तैयार करना है जिसे हम काउंटर पे ही स्टोर करें। इसलिए हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से साफ करके पोंछ के लेंगे, इनको धोएंगे नहीं वरना ये गीले हो जाएंगे। यहाँ पे हमने लिया है 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून सूजी और करीबन आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब हम लेंगे एक मिक्सी का ग्राइंडिंग जार और इसमें डाल देंगे चावल, उड़द की दाल, मेथी दाना, सूजी, बेकिंग पाउडर और चीनी। और अब हम करेंगे ढक्कन बंद और इन सभी चीज़ों को तब तक ग्राइंड करेंगे जब तक इसका एक फाइन पाउडर बनके तैयार नहीं हो जाता। और ये हमारी सभी चीज़ें अच्छे से पिस के तैयार हो गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाउडर कितना फाइन है। तो अब हम इसको निकालेंगे एक प्लेट में और इसको पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। जब पाउडर पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे एक एयर टाइट कंटेनर में और फिर हम इस पाउडर को एक महीने तक काउंटर पे ही रख के स्टोर कर सकते हैं। इसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। अब जब भी डोसा खाने का मन करे एक बोल में अपने घर का बना हुआ ये इंस्टेंट डोसा पाउडर निकालिए, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, करीबन 1 टेबलस्पून दही डाल देंगे। अगर दही खट्टा होगा तो डोसे और भी अच्छे बनेंगे। और अब हम पानी डाल के इसका एक स्मूथ बैटर बना के तैयार कर लेंगे। और ये हमारा बैटर तैयार हो गया है, यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए काउंटर पे ही फूलने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हमारे डोसे का बैटर थोड़ा सा फूल जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी एडजस्ट करी है, यहाँ पे आप इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो अब हम एक नॉनस्टिक पैन लेंगे और फ्लेम को हाई पे ऑन कर देंगे। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे कुछ पानी के छींटे। अब पैन के बीचों बीच डालेंगे 2 टेबलस्पून बैटर और इसको हल्के हाथों से इस तरीके से फैलाना शुरू करेंगे। डोसा फैलाते समय बिल्कुल हल्के हाथों का ही इस्तेमाल करें वरना डोसा उखड़ जाता है। इस पूरे टाइम हमने फ्लेम को बिल्कुल हाई पे रख रखा है। जब यह हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तब हम इसके चारों तरफ थोड़ा सा तेल डाल देंगे, करीबन 1 टीस्पून। और ये हमारा करारा डोसा सिक के तैयार है। एंजॉय। तो ये तैयार हो गया है हमारा इंस्टेंट डोसा प्रीमिक्स। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल के कुछ और वीडियोस देखने के लिए एंड स्क्रीन पर क्लिक करें।